हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी हार्ट शेप की मिरर। तो आप लोगों को मेरे डिज़ाइन और बनाने की तरीका पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, दो 10 साइज का रिंग ले लिया हार्ट शेप का, और मिरर भी लिया 10 साइज का लिया, और 5 साइज का एक रिंग लिया, और कॉर्ड लिया 2 कलर का, और एक मसाज लिया, बेल्स लिया और काटा वाला मोती लिया। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। देखिए, मैं रिंग के साथ अभी कॉर्ड को अटैच कर लेती हूँ। ऐसे करके ऐसे अटैच करना है, 4 कॉर्ड अटैच करना है। देखिए, 4 कॉर्ड ऐड कर लिया। अभी दूसरा कलर का कॉर्ड ऐड करना है। अभी एक कॉट 6 कॉट ऐड करना है, ये कलर की। देखिए, देखिए 6 कॉट ऐड कर लिया। अभी 4 कॉट ब्लैक कलर का ऐड करना है फिर से। देखिए, अभी इसको अलग अलग करना है। ओके, एक और लेके फिर इसके ऊपर पाइपिंग करना है। अभी देखिए, इस धागा को भी ऐसे पाइपिंग करना है। इस साइड जैसे किया, इस साइड भी ऐसे ही पाइपिंग करना है। Thank you.
ऐसे पूरा कोट को पाइपिंग कर देती हूँ। देखिए अभी बीच का जो दो धागा है पहले का वो मैं ले लिया, अभी इसमें बीच फंसा के दो में बीच फंसाया और ये जो तीन कॉट है ये दो छोड़ के इधर जो तीन है और इधर जो तीन है ये तीनों को ऐसे लेके बीच में दो रख के ऐसे नॉट लगाना है। अभी इस साइड में जो दो कॉट है इसमें भी बीच फंसाना है। और देखिए ये जो बीच का दो धागा है इसको इस साइड एक कर देना है और इसमें पहले वाले धागे में पाइपिंग कर लेती हूँ। देखिए ये जो दो धागा है इसको भाग करने से पहले इधर एक बीच फंसाना है। फिर इसको दोनों साइड में भाग करना है। देखिए हो गए और एक में भी ऐसे ही सेम तरीके से पाइपिंग करना है। देखिए इस कॉट में भी बीट्स फंसाना है। पहले वाले धागा में पाइपिंग करना है। तो इसमें भी कर लेती हूँ पाइपिंग। अभी ये जो धागा है देखिए इसे भी ऐसे ही अटैच करना है तो इधर जो गैप है वो बंद हो जाता है। एक बार इस साइड के धागा में पाइपिंग किया, अभी इस साइड का धागा में पाइपिंग करना है। देखिए फिर से दोनों साइड सिक्स कॉट करके भाग कर लेंगे। अभी ये जो फोर कॉट अटैच किया था इसके साथ अभी पाइपिंग करना है। देखिए ऐसे करके लेके
देखिए इसमें जैसे कि पाइपिंग, इसमें हर धागा में पाइपिंग करना है। थोड़ा टाइट टाइट करके करना है। देखिए इस साइड जो 6 कॉर्ड था तो उसमें पूरा में पाइपिंग करना है, जैसे इधर किया है ऐसे ही पूरा करना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए इधर में 6 कॉर्ड पाइपिंग कर लिया, सेम तरीके से इधर भी करना है। थोड़ा टाइट टाइट करके पाइपिंग करना है। फर्स्ट धागा में पाइपिंग हो गई, अभी सेकंड धागा में देखिए ऐसे ऐसे में पूरा पाइपिंग करना है। जैसे इसमें बनाया वैसे पूरा धागा में, इस धागा में पाइपिंग करना है। देखिए पाइपिंग कर लिया। अभी ये जो धागा है बीच का, दो धागा लेके इसमें बीच फंसाना है। बीच फंसाने के बाद फिर इधर से 3 धागा, इस साइड से 3, इस साइड से 3 लेके ऐसे बीच में करके, और 4 कॉट इधर से लेके, 4 कॉट इधर से लेके नॉट लगाना है। देखिए देखिए अभी ये जो फर्स्ट धागा है इसके ऊपर पाइपिंग करना है। ये कॉट हो गए, फिर से और एक कॉट लेके इसमें भी पाइपिंग करना है। देखिए ये 2 धागा में मैं पाइपिंग कर लिया। अभी ये जो 4 धागा है और ये 2 धागा, बीच का 2 धागा लेके इसमें मैं एक मोती फंसाऊंगी। मैं इधर एक छोटा वाला मटका वाला मोती लिया लेके फिर ये दो जो धागा है इसमें फिर से पाइपिंग करना है।
अब इस धागा में भी पाइपिंग करना है। देखिए ऐसे बनाना है, इस साइड में भी ऐसे ही बनाना है। ये जो फास्ट वाला धागा है इसमें अभी पाइपिंग करना है। पहली धागा में पाइपिंग कर लिया, अभी सेकंड धागा में पाइपिंग करना है। सेम इसी तरह जैसे इधर किया इस साइड, फिर इस साइड भी ऐसे ही करना है। बीच में मोती फंसा के फिर से वो पाइपिंग करना है। मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए इस साइड में भी बना लिया। अभी ये जो धागा है दोनों साइड एट कॉट कर देना है। एट कॉट करने के बाद फिर बीच से दो धागा लेके बीच फंसा के फिर पाइपिंग करना है। देखिए इसमें अभी पाइपिंग करना है। देखिए इतना इस साइड जितना धागा उस साइड है इस साइड भी उतना ही रखने की कोशिश करना। एट कॉट पाइपिंग करना है। स्कॉट में भी सेम तरीके से पाइपिंग करना है। देखिए इस साइड मैंने पाइपिंग कर लिया, इस साइड भी पूरा उसी तरीके से ही पाइपिंग करना है। इधर जितना गैप है इधर भी उतना ही रखना है। देखिए ये एट कॉट देखे और ये जो कॉट है इसको पूरा पाइपिंग करना है। इस साइड जैसे किया इस साइड भी मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर लिया पाइपिंग करके। अभी ऊपर जैसे डिज़ाइन बनाया था अभी इधर भी ऐसे डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस साइड में भी पाइपिंग करना है।
भी धागा लेके इधर भी पाइपिंग करना है, पाइपिंग कर लेती हूँ। देखिए पाइपिंग हो गया, अभी बीच का दो धागा लेके इसमें बीच फंसा के फिर नॉट लगाना है। अभी इसमें भी बीट्स फंसाना है, इसमें बीट्स फंसा के फिर से दोनों ये दोनों धागा में पाइपिंग करना है, और ये जो बीच का दो धागा है इसमें भी बीट्स फंसाना है, और इस कॉर्नर में इसमें भी बीट्स फंसाना है। अभी इसको दोनों को दो साइड कर देती हूँ और करके इधर ऐसे पूरा पाइपिंग करना है। तो मैं पहले पाइपिंग कर लेती हूँ। देखिए ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गए। अभी इसमें रिंग में एक कॉर्ड को अटैच करना है, ऐसे कॉर्ड को पूरा अंदर ले लेना है लेके, ऐसे टाइट टाइट करके जॉइंट करना है। इस साइड कर ले, इस साइड भी करना है। अभी देखिए दूसरा रिंग को भी ऐसे ही रखना है और आधा इंच गैप करके फिर इसको ऐसे अटैच करना है। देखिए ऐसे करके पूरा अटैच करना है। देखिए ऊपर भी अटैच कर लिया। अभी इसको ऐसे करके ऊपर का जो रिंग है इसको मैं नीचे दे देती हूँ, और नीचे वाला जो रिंग है उसको मैं ऊपर ले देती हूँ। ठीक है, अभी सेम ऐसे ही करके फिर अटैच करना है, इधर भी करना है। थोड़ा खींच के करना है,
खींच के, ऐसे खींच के पूरा जॉइंट करना है। तो मैं ऐसे खींच के पूरा जॉइंट कर लेती हूँ पहले। देखिए इस साइड भी मैं जॉइंट कर लिया, अभी इसमें दे देती हूँ मिरर। ऐसे करके फिर से इसको ऐसे करके जॉइंट करना है। पूरा ऐसे करके टाइट करके जॉइंट कर लेती हूँ मैं। देखिए इसको ऐसे, फिर से ऐसे इसके नीचे से ऐसे लेके ऐसे। तो मैं पूरा पहले जॉइंट कर लेती हूँ। देखिए इधर में भी रिंग में अटैच कर लिया धागा को। ऊपर जैसे डिज़ाइन बनाया था ये डिज़ाइन फिर इधर ही बनाना है, तो मैं पहले इधर बना लेती हूँ डिज़ाइन। ऐसे करके पाइपिंग करना है, पूरा धागा को ऐसे पाइपिंग करना है। देखिए एक धागा में पाइपिंग कर लिया, दूसरा धागा में भी सेम तरीके से, ये जो चार धागा है इसको पाइपिंग करना है। देखिए अभी इस साइड का भी पाइपिंग करना है। देखिए इस साइड जैसे दो धागा में पाइपिंग किया, इस साइड में भी वैसे ही करना है। इसमें भी पूरा पाइपिंग करना है, तो मैं पहले पाइपिंग कर लेती हूँ। देखिए इस साइड भी पाइपिंग कर लिया, अभी ये दो धागा है इसको लेके, बीच का दो धागा इसमें बीच फंसाना है। और ये जो तीन धागा है इसको लेके नॉट लगाना है। देखिए अभी इस दो धागे में भी बीट्स फंसाना है और इसमें भी फंसाना है, दोनों साइड में, ये दोनों साइड में भी फंसाना है। फंसा के जैसे ऊपर पाइपिंग किया वैसे ही पाइपिंग करना है, ऊपर जैसे पाइपिंग किया इधर भी ऐसे ही पाइपिंग करना। तो मैं पहले पाइपिंग कर लेती हूँ। देखिए इस साइड पे भी पाइपिंग कर लिया, इस साइड में करना है अभी।
अब इसमें भी पाइपिंग करना है तो मैं इसमें पाइपिंग कर लेती हूँ पहले। देखिए ये सेट कंप्लीट हो गया है। अभी इधर इधर से डोरी बनाना है। इधर 8 धागा है तो दोनों साइड से 2 लेके एक एक करके लेके इसमें बीट्स फंसाना है। बीट्स फंसा के अभी इसमें पाइपिंग करना है। अब ये धागा को भी ये 3 धागा में पाइपिंग करना है। अभी देखिए ये 2 धागा बीच में रख के और ये 2 धागा और ये 2 धागा देके इधर भी एक नॉट लगाना है। इधर से लेके ऐसे करके नॉट लगाना है। फिर से देखिए फिर से ये 3 धागा जो है इसके ऊपर फिर से पाइपिंग करना है। अभी इसमें भी सेम तरीके से पाइपिंग करना है। अभी ये जो 2 धागा है इसमें फिर से बीट्स फंसाना है। फिर से ये धागा को पाइपिंग करना है। इस साइड जो 3 धागा है इसी से देखिए ऊपर जैसे बनाया इधर भी सेम तरीके से पूरा बनाना है और 1.5 फ्लावर बनाना। फ्लावर बनाने के बाद फिर रिंग में अटैच करना है। तो मैंने और 1.5 फ्लावर बना लेती हूँ। देखिए मैं इधर 2.5 फ्लावर बना लिया, 1, 2 और ये देखिए आधा। अभी इसको रिंग के साथ अटैच करना है। तो पहले मुझे और एक काम करना है, ये कलर की धागा ले लिया ये रिंग के साथ इतना तक पहले मैं अटैच कर लेती हूँ। देख लीजिए ऐसे करके ऐसे जैसे नॉट लगाते हैं सेम तरीके से ही नॉट लगाना है। इतना तक मतलब ये फ्लावर जहाँ तक आ रहा है इतना तक ही ऐसी रिंग को अटैच करना है इस धागा से। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है। अभी पीछे जो रिंग है इसको भी मैं थोड़ा सा अटैच कर लेती हूँ। तो इसमें क्या होगा मिरर बाहर नहीं आ जाएगा। इसमें मिरर अच्छे से फिट होता है। देखिए इतना तक आ गया। अभी मैं इसको ऊपर से रिंग के ऊपर से ऐसे लेना है
लेके अभी इसके ऊपर अभी पाइपिंग करना है। इसी साइड में भी ऐसे ही पाइपिंग करना है। देखिए फिर से ऊपर से इसको नॉट लगाना है। तो फिर से इधर बीट्स घुसा के फिर से आधा फ्लावर बनाना है। बनाने के बाद फिर से ऊपर जो मिरर की जो रिंग है उसमें अटैच करके फिर से फ्लावर बनाना है। ऊपर जैसे बताया वैसे ही फ्लावर बनाना है। और देखिए ये फ्लावर जितना तक आ रहा है उतना तक आके मुझे ये गार्ड लगाना है। तो इतना तक पहले गांठ लगा लेती हूँ। जितना धागा छोटा गया है उसको मैं जोड़ लेती हूँ। देखिए इसको अभी रिंग के साथ अटैच करना है। तो ऐसे अटैच करके पांच फ्लावर बनाना है। तो मेरा एक बन गया और चार बनाना है। चार बनाने के बाद ऊपर जैसे दो ऐसे जॉइंट करके नहीं बनाया देखिए रिंग के साथ, तो वैसे नीचे भी ऐसे ही छोड़ना है, दो जॉइंट नहीं करना है। तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। और एक बात, ये बीच में ये जो धागा है बीच में नीचे का जो रिंग है इसके साथ अटैच करके फिर नॉट लगाना है। देखिए इधर से नौ फ्लावर में बना लिया। बनाने के बाद ऐसे एक नौ बीट्स घुसा के सिर्फ इधर ही देखिए दो धागा में पाइपिंग किया और इधर नॉट नहीं लगाऊंगी। अभी इधर एक रिंग ले लिया फोर साइज का। अभी इसमें ये कॉट को अटैच करूंगी। ऐसे देखिए ऐसे अंदर से ले लिया। ऐसे मैं पूरा कॉर्ड को अटैच कर लेती हूँ रिंग में। देखिए मैं रिंग में कॉर्ड को अटैच कर लिया। अभी मैं सिक्स कॉर्ड काट लिया ये धागा ये कलर की। तो इसको मैं पहले जॉइंट कर लेती हूँ। देखिए इस रिंग में सामने जॉइंट करना है। इस साइड जो कलर है इसी साइड सेमी कलर दिया और ब्लैक कलर दो साइड में दे दिया। अभी सभी में एक एक करके नॉट लगा लेती हूँ। ऐसे करके पूरा ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से ऐसे ही करना है, ऐसे नॉट लगाना है।
भी एक में देख लीजिए, इस साइड जो ये आया है फिर से इसको ऊपर से ऐसे रखना है। देखिए पहले बना लिया, फिर से दो नॉट बनाया, तो ऐसे करके पूरा ऐसे बनाना है। इसमें भी और दो नॉट बनाऊंगी। देखिए सेम तरीके से पूरा ऐसे नॉट लगा लेती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ये जो धागा है इसको बीच में रख के ऐसे नॉट लगाना है। इधर भी 3 नॉट लगाना है। थ्री नॉट करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ पहले। देखिए ऐसे गांठ लगा के मैं 5 लाइन कंप्लीट कर लिया। अभी इसको काट लिया, अभी इसमें बीट्स लगाना है। देखिए अभी इसमें भी बेल्स लगाऊंगी। तो मैं ऐसे पूरा बेल्स लगा लेती हूँ। देखिए मैं बेल्स भी लगा लिया, मेरा मिरर पूरा कंप्लीट है।